Hey, hi everyone. Welcome to the second episode of our landing page design. Last video में हमने header complete कर लिया था. Now we will go to the second part of it, like hero section. So let's start. So this is done. Now we build this hero section. What is the basic strategy to like build it? पहले ना उसको सोच लो कि कैसे आप इसको build करने वाले rather than going to directly build it. Okay. तो हम क्या करें? सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये पहले पूरा पेज दिख रहा है, यहाँ पे पैडिंग है राइट और लेफ्ट में, ये वाले एरिया में और ये इस वाले एरिया में, राइट. तो इट मींस कि ये जो इनसाइड वाला एलिमेंट है, ये हीरो सेक्शन है, ये 1280 से जो हमने बेसिक डिफॉल्ट स्क्रीन साइज मान रखा है, इससे इंक्रीज नहीं होने वाला है. हीरो सेक्शन की जो विड्थ है वो मैक्सिमम 1280 ही रहने वाली है, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू, एंड उसके बाद आप देखोगे कि ये वाला जो एक इमेज एक सेक्शन है और ये इमेज सेक्शन है, तो पूरा जो हीरो सेक्शन है हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक लेफ्ट एक राइट. मोर और लेफ्ट मेरे को 50-50 दिख रहा है, बट ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. लाइक यू कैन कीप लेफ्ट वाले को 60 और राइट वाले को 40 समथिंग, कुछ ऐसा. तो डिपेंड अपॉन की कैसा लुक आता है उसके हिसाब से हम चेंज करें, ठीक है. परफेक्ट है, स्टार्ट करते हैं. एंड हाँ, राइट वाले में इफ यू सी ऑल्सो की वॉट यू कैन डू, यहाँ पे ना इसको पूरा एक इमेज की तरह, एक इमेज को आप डंप कर सकते हो कम्प्लीटली, और आप क्या कर सकते हो, ये अलग अलग पार्ट जैसे ये कस्टमाइज योर वुड फर्नीचर और गेट आइडियाज करके एक लिस्ट करते हो, यहाँ पे लिंक है, तो आप इसको एक अलग ग्रुप बना लो, ग्रुप से यू कैन बिल्ड इट. बट अभी हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करेंगे, इस कंप्लीट को हम एक डिजाइन मान लेंगे. इफ यू सी इन माई डिजाइन हेयर इन टू, तो ये एक ग्रुप है जो पूरा एक एज अ इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा, देन वी कैन यूज दैट एज इमेज, ओके. और सेम इसमें जो लेफ्ट सेक्शन है, इसमें एक टॉप पे एक आइटम है, फिर नेक्स्ट एक ग्रुप है, दिस फिर एक ग्रुप है, तो ये कॉलम लेआउट है. एंड दिस इज राइट में कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी लेआउट यूज कर सकते. ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ एक और चीज, रादर देन ये हर ग्रुप के लिए आप एक सेक्शन बनाओ, पेरेंट सेक्शन. आप वॉट वी कैन डू, हम देख पा रहे हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू, 1280 से बाहर नहीं जा रहा कोई भी सेक्शन. इफ यू स्क्रॉल इट डाउन एक्सेप्ट दिस वन, राइट, यस एक्सेप्ट दिस वन, बिकॉज इसमें लेफ्ट और राइट में वो आ रहा है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक ग्रुप हम प्रॉपर बना लेंगे, पेरेंट ग्रुप. नेमिंग कन्वेंशन आप हमेशा अच्छा सही रखिए, क्योंकि इसे आपको बाद में फ्यूचर में जब भी डिबग होगा, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प होगी. वन मोर थिंग, आई नीड टू चेक इट द कलर ऑफ दिस. ओके, वन मोर थिंग इज ईच सेक्शन हैव अ डिफरेंट डिफरेंट कलर, लाइक अल्टरनेटिव फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर. तो हम ये नहीं कर सकते इफ वी पुट एवरीथिंग इनटू द सिंगल ग्रुप. तो उसके लिए हमें पुराना वही सेम जो हम ऊपर यूज कर रहे थे कि एक पहले पेरेंट ग्रुप बनाए पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, नॉट उसके लिए. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हीरो सेक्शन, एंड इसको फुल विड्थ रखेंगे, जितना भी विड्थ स्क्रीन का विड्थ. ओके, नाउ वी विल पुट मोर ग्रुप. ये हमने बाहर वाला रखा है इसके लिए, जो ब्लैक वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है. अभी जो अंदर कॉन्टेंट है इसके लिए हम एक और ग्रुप बना रहे हैं. तो दिस ग्रुप शुड बी अ रो वाइज, इसको नाम दे देंगे हीरो, एंड दिस शुड बी अ रो वाइज, बिकॉज हमको एक लेफ्ट में बांटना है एक राइट में बांटना है, इसलिए तो भी हमने फिक्स विड्थ कर दिया. मैक्स विड्थ इज 1280, मेक इट एज अ सेंटर, ऑटोमेटिकली सेंटर में. अभी जो बैकग्राउंड इसका कलर जो है दिस सेम एज अ हेडर का, जो हमारा हेडर का क्या कलर है, प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट. हाँ, तो हम ऑलरेडी, जस्ट टू रिकॉल एवरीवन जिनको भी, तो हमने ऑलरेडी इफ यू गो इन टू द स्टाइल, हमने यहाँ पे ना कलर ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं. इट्स ऑलवेज बेटर टू डिफाइन अ कलर यहाँ पे और आपके अपने फॉन्ट को, सो डेट आपको ना बार बार पिक और आपका ना कंसिस्टेंसी रहे तो पूरी डिजाइन में, और दूसरा आपको पिक ना करना पड़े. नाउ लाइक पेरेंट, तो इसमें वी विल गो रिमूव स्टाइल एट द बैकग्राउंड फ्लैट कलर एंड दिस इज परफेक्ट. नाउ एवरीथिंग इज फाइन, वी विल क्रिएट वन मोर ग्रुप ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक की थीम है वो प्रॉपर ब्लैक बैकग्राउंड. तो हमें अगर फ्यूचर में अगर कोई समथिंग कुछ ऐसा दोबारा ग्रुप क्रिएट करना है तो हमको बस जस्ट डिजाइन पिक करना पड़ेगा, सॉरी स्टाइल, दैट्स इट. आपको मैनुअली आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा. नाउ दिस वन हेडर इनर, ओके. नाउ इट हैव वन लेफ्ट वन राइट, ओके. व्हाट वी विल डू इज, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो इसका पेरेंट है, जो इनर वाला ग्रुप है, हमें दोनों स्पेस अराउंड थीम पे चाहिए, तो हमने ऑटोमेटिक स्पेस अराउंड कर दिया. व्हाट स्पेस अराउंड, दिस वन स्पेस बिटवीन, बिल्कुल दोनों ग्रुप अपने कॉर्नर पे लगे रहे, बेसिकली मीन्स इसका, ठीक है. सबसे पहले ये वाला ग्रुप लेंगे, इसका हम सबसे पहले इसको करेंगे कॉलम, क्योंकि हमें कॉन्टेंट एक नीचे एक रखना है. हाँ, दूसरा है ये मिनिमम विड्थ को हमें रखना 320, क्योंकि जो लेफ्ट वाला है ना, जब भी आप मोबाइल में देखोगे तो आपका 320 से ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा राइट वाला, कि जब भी आपका, लेट मी शो यू क्विकली, जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन है तो ऑटोमेटिकली दिस ये लेफ्ट सेक्शन है, ओके. तो दिस ये सेक्शन है, ये तीनों मर्ज करके ये हमेशा 320 पे ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा. तो इसकी जो मैक्स वेट मिनिमम वेट है शुड बी 320 फॉर द मोबाइल, ठीक है. हमने ये किया,
इसके साथ करेंगे हम, क्योंकि हम इन दोनों को 50-50 दे रहे हैं तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो डिफाइन हो जाएगा लाइन पे। इसको भी हम दे देंगे 320, तो ऑटोमेटिकली ये बराबर है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों के बीच में देखो स्पेस है, स्पेस है, यहाँ पे देखा रहा 13.20 होगा, बट अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा मार्जिन है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पेरेंट वाला ग्रुप है ये इनर, हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वाला ग्रुप, जो ये लेफ्ट वाला ग्रुप है, सॉरी राइट वाला, हम इसका लेफ्ट मार्जिन दे दें और जो लेफ्ट वाला ग्रुप है, जो लेफ्ट वाला ग्रुप है उसको राइट वाला मार्जिन। बट बेटर वे ऑफ अप्रोचिंग इज अप्लाई गैप्स बिटवीन एलिमेंट, रो का मतलब टॉप, जब भी एक दूसरे के नीचे जाएंगे तो दोनों के बीच में क्या गैप रहेगा, और जब एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो क्या रहेगा, कॉलम। कंफ्यूजिंग लगता है कि कॉलम मेरा रो का होना चाहिए, बट एज इट इज है कॉलम इज लाइक एक दूसरे के नीचे वाला, ठीक है। अभी हमारा 20 का गैप है, हम एडजस्ट कर लेंगे गैप को, नॉट एन इश्यू। सबसे पहले हम राइट में चलते हैं, सिंपल इमेज, हम इमेज को पुट कर देंगे, ये एक इमेज है, ठीक है। तो हमने ये वाला जो ग्रुप है इसको ना एक्सपोर्ट कर लेंगे, इमेज एक्सपोर्टिंग इमेज ये आ गया। अब हम इसको डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। वन वे ऑफ डूइंग कि आप प्रॉपर एक एलिमेंट बनाओ, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, मैं नहीं बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी डूएबल, ऐसा मत सोचना कि नहीं बना रहा तो नॉट डूएबल। दूसरा है कि अब हम इमेज पिक करें, अपलोड दैट इमेज। हाँ, वन मोर थिंग, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूँ, ऑलवेज कन्वर्ट योर इमेज इनटू WP, जैसे कि WP फाइल फॉर्मेट। नहीं तो आप बोलोगे कि यार इतनी बड़ी इमेज 167 KB की है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको WP अगर मैं इमेज करूँगा, इज गुड फॉर योर SEO ऑल्सो। लेट मी जस्ट शो यू, 36 KB की हो गई, मेरा 167 की इमेज थी 36 की हो गई। तो ये दिस इज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर SEO, जब आपका पेज लोड होगा तो वो चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना ये तो बढ़ा दो, तो भी ट्रीट ऐसे लेफ्ट के हिसाब से ट्रीट हो जाएगा, जितना लेफ्ट की हाइट होती जाएगी वो ऑटोमेटिकली राइट वाला मैच होता जाएगा, देखेंगे आराम से, ठीक है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप इमेज में ना यहाँ पे गैप आया है, अगर आप इसको बेटर है मेरे हिसाब से, आप कभी भी इमेज में गैप मत रखा करो। क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले एडिट कर लेंगे। मेरे को सबसे अच्छा टूल लगता है पेंट, सिंपल सोवर, मेरे को और दूसरा कोई टूल आता भी नहीं है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मेरे को बताओ कि शायद दूसरा कोई टूल यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, बट मेरा काम इससे हो जाता है तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ। नाउ इस वाली इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम दोबारा अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है राइट और लेफ्ट में। और एक इंटरेस्टिंग चीज, जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हो ना, आपके यहाँ पे फाइल मैनेजर है, यहाँ पे आपको सारी इमेजेस दिखेंगे, आपने कौन कौन सी अपलोड किया, नहीं अपलोड किया, सब कुछ। तो अभी हम लेफ्ट पे चलते हैं, लेफ्ट इज लाइक दिस वन, ओके। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट बनाएंगे, कंटेंट कॉपी करेंगे। अभी इसके स्टाइल बॉडी तो एटलीस्ट नहीं है, ये जितने भी है ना, तो अभी हमने जो लास्ट टाइम पे बनाए थे कि टेक्स 70 CF एफेट, नहीं ये दोनों ही नहीं काम करेंगे। अभी हमें थोड़ा बिग बनाना पड़ेगा, 600 इसका वेट है, तो वी विल जस्ट मेक इट एज 600। ऑक्सीनोमा फॉन्ट F8 है, या ठीक है। दूसरा इसका हम ना लेआउट में इसका हाइट भी इसको मिनिमम हाइट पर डालेंगे, और इसका साइज इंक्रीज करेंगे। तो साइज कितना है, 92, बट 92 तो नहीं होगा, लेट मी जस्ट क्विकली, 84 इज टू मच, 70 दिस मेक सेंस आई थिंक। और वन मोर चीज, यहाँ पे ना थोड़ा वाइट ज्यादा है, बट हमारा जो F8 है ये वाइट कम है, मतलब ये थोड़ा गलत कलर चूज कर लिया, ओके। हम स्टाइल में जाएंगे, देखेंगे कि हमारा F8 कलर, ओहो हमने स्टोरी नहीं किया है, ये यूज ही नहीं हो रहा, प्राइमरी यहीं पे यूज हो रहा है, हमने इसको नहीं बनाया। व्हाट वी डू, कॉपी, जरूरी है आपका हर कलर आपके वेरिएबल में हो, कोई जरूरी नहीं, बट कीप द मोस्ट ऑफ यूजफुल। अब जैसे हमारा नहीं, तो सिंपली इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये F8 हो गया, परफेक्ट लग रहा है, मेक योर ड्रीम स्पेस और रियलिटी परफेक्ट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेफ्ट की ग्रुप 1, 2, 3। तो ये एक इमेज है, ये एक बटन है, ये एक हमारा टेक्स है सिंपल, और ये एक हमारा टेप विद इनसाइड एक इमेज। तो दो तीन तरीके हैं सेम, सबसे पहले तो बटन, हम बटन बनाते हैं। बटन को ना बटन मत यूज किया करो, दिस इज फ्रॉम द योर SEO पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बटन जो आप यूज करते हो ना, तो बबल SEO रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते बटन है, CTA है, तो SEO कभी ट्रीट ही नहीं करता कि इसको ऐसा कुछ यहाँ पे एक्शन भी है। तो ऑलवेज यूज एज अ टैक्स और ग्रुप के अंदर टैक्स, तो जो भी कंफर्टेबल, मैं सिंपली कोई टैक्स ठीक लगता है। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे ये सब एक ग्रुप में है, यूज ऑल ऑन द सेम हाइट स्ट्रक्चर पे है, तो हम इनको ग्रुप में पुट करेंगे सबसे पहले मैं ग्रुप को पुट क्रिएट करूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये सब साइड बाय साइड है, तो रो मेरे को सिलेक्ट करना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया, इसके अंदर ये इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, दीज आर नॉट ऑन द सेम एक हायरार्की पे है, मेरे को इन दोनों को एक ग्रुप में बनाना पड़ेगा और इसको एक ग्रुप में बनाना पड़ेगा।
ठीक है, इसको सबसे पहले मैं फुल बिट एक और ग्रुप इसको हम नाम दे देते हैं हीरो लेफ्ट, क्योंकि सेकंड पे आया ना इसीलिए। ठीक है, अभी हम ग्रुप में करेंगे नेमिंग पे इतना मतलब कीप अ कंसिस्टेंसी जिसका आपको रिकॉल करने में याद रहे, ऐसा किसी का कॉपी मत करना कि हमको ने ऐसा किया है फिर और कोई ऐसा कर रहा है, नहीं जो आपको कंफर्टेबल लगे जिस हायरार्की को आप याद रख सको बहुत लंबे टाइम तक वो एक हायरार्की फॉलो करना। ठीक है, ठीक है, राइट और लेफ्ट कौन, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमें रो रखना है क्योंकि दोनों एक साथ है तो हम सबसे पहले बटन बनाए। परफेक्ट, ठीक है, अब इसको रिमूव स्टाइल करेंगे। अब सबसे पहले हमें इसका बटन बनाना है ना, तो सबसे बटन का सीटी क्या है, तो इसको बेसिकली हम जाएंगे यहाँ पे थोड़ी पैडिंग दे देंगे, पैडिंग शुड बी 14-16 बिल्कुल एग्जैक्ट भी मत सोचा करो बट अप्रॉक्स करने का ट्राई किया करो क्योंकि हो नहीं पाएगा क्योंकि पैडिंग आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, अगर स्क्रीन साइज होगा तो आपको दिक्कत होगा। जस्ट टू कीप अ कंसिस्टेंसी विद अवर बटन यहाँ पे हमने क्या किया 16 किया तो 14 में कम है, फॉन्ट वेट 18 है, मोर ठीक है 16 इज परफेक्टली फाइन, वेट चला गया ऐसे, दिस इज सम वर्क फ्रॉम द बबल, वेट चला गया है। ठीक है, अभी हम देंगे पैडिंग, तो पैडिंग विल बी बॉटम 14 और दूसरा कलर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पहले इसका दूसरा बैकग्राउंड कलर देंगे फ्लैट। इफ यू सी यहाँ पे इसका कॉर्नर भी है तो हम सिंपली कॉर्नर कर देंगे राउंडनेस बेसिकली। हम अब देखोगे ना बटन का ना हाइट ज्यादा हो गया है, इफ यू कंपेरिजन आइदर वे कि हम बटन का विड्थ थोड़ा बढ़ा दें तो आई थिंक बेटर है कि विड्थ बढ़ा दें इसको 20, अभी भी हाइट ज्यादा लग रहा है, आई डोंट नो हाइट ज्यादा लग रहा है या ज्यादा लग रहा है हाइट, तो थोड़ा ना इसकी टॉप में से जो पैडिंग है तो हाँ अभी ठीक लग रहा है, परफेक्ट है। नाउ वी विल क्रिएट दिस बटन अवर स्टोरी, लेट मी सेव इट एज अ बटन, बटन सीटी है सो डेट अगर फ्यूचर में रहे तो और बेटर है जो मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ टेक्स रेगुलर 16 बैकग्राउंड, तो इससे पता नहीं पता लग जाएगा 16 का है और बैकग्राउंड मेरा यूज हो रहा है। मेरे को अगर फ्यूचर में कोई बैकग्राउंड यूज करना होगा तो मैं अगर फ्यूचर में कोई दूसरा बटन आया जिसका बैकग्राउंड अगर मैं देख लूंगा यहाँ पे क्विकली कोई बटन है क्या बैकग्राउंड है जिसमें नहीं है मतलब इसी सेम सा ही है इज नॉट कोई डिफरेंट है तो मैं इसको यूज करूँ। ठीक है, अभी मेरा सिंपल एक बटन और एक आउटर अब ध्यान से देखोगे तो इस वाले बटन का वो ज्यादा है फॉन्ट वेट ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए अब हमें क्योंकि रेगुलर ही है हमारे पास इस वन थोड़ा साइज भी कम कर देंगे 12। ठीक है, अभी ये हो गया, अब इसके बाद हम एक और वो बनाएंगे और लेट्स स्टोर दिस ऑल्सो कि वो इसी पेज पर हो रहा है, इस पेज के बाद वो हो ही नहीं रहा है तो हमने इसको अभी बनाया नहीं तो विल कीप एज अ बैकअप। ठीक है, तो अभी हमने इसको कलर चेंज करेंगे या हमारा FAT है यही हमारा, अभी हम दूसरा ये बनाएंगे, अभी हम बैकग्राउंड रोटेटर उसके अंदर आइकन है सबसे बेस्ट क्या है गो टू शेप, मैं बताता हूँ शेप से आप जैसे सर्कल बना सकते हो शेप है वो फिक्स साइज होगा 48x48 गिव इट एज अ फिक्स साइज, मोस्ट ऑफ द शेप में हमेशा फिक्स साइज ही होता है 48x48। ठीक है, अब जो इसका रिमूव है राउंडनेस है ना इसको हमेशा जितना वेट ले रहे हो जैसे हमने हाइट ऑफ वेट लिया 48 का हाफ करो 24 और यहाँ पे राउंडनेस 24 दैट्स इट, आपका हमेशा सर्कल बनेगा ये सर 24 से आप कुछ भी ज्यादा दोगे 48 भी दे दोगे तब भी आपका सर्कल ही बनेगा, दिस इज परफेक्ट। अभी हमको इसको ना ग्रुप में रखना पड़ेगा सो दैट दोनों सेंटर हो, आई विल जस्ट कन्वर्ट इनटू द ग्रुप एलिमेंट इनटू द अलाइन टू पेरेंट। ठीक है, बन गया, अभी मेरे को आइकन चूज कर, आइकन में आइदर वी कैन यूज अ डिफॉल्ट वन और जो मेरे को सही लगता है लाइक हीरो आइकन करके एक प्लगइन है हीरो आइकन, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लो, दो लाइब्रेरी ये और ये कोई भी जिसको इंस्टॉल हो हमेशा मोस्ट ऑफ द प्लगइन में ये यूज किया करो, दूसरा ट्रिक जो सबसे ज्यादा यूज हो रही हो वो यूज कर लिया करो सिंपल इतना मैं सोचा फॉरवर्ड। और सबसे अच्छा है इसका heroicon.com पे जाओ, यहाँ पे अपना पहले कलर जो भी आइकन है वो फिगर आउट करना है वो सेट कर लो, फॉरवर्ड करके है हाँ तो ये फॉरवर्ड तो है बट इट इज नॉट दिस वन, नेक्स्ट वाला ये वाला इज अ चिवन डबल राइट। ओके, तो हम सबसे पहले आइकन गेट करेंगे सॉलिड आइकन हमेशा इस ग्रुप के अंदर रखना, ध्यान रखना ये होगा राइट डबल राइट। ओके, और जो कलर है इसका और इसको हमेशा सेंटर में रखो सो दैट हाँ दिस इज कलर चेंज नहीं हुआ वो कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी हम प्रीव्यू करेंगे तो नॉट अ बिग इशू। अभी दूसरा सबसे पहले हम इसको थोड़ा सेट करते हैं, इसको एक तो हाइट इसकी इट शुड बी लेफ्ट परफेक्ट है एंड ऑल्सो स्पेस बिटवीन एलिमेंट शुड बी 20 और दूसरा ये जो है हमेशा सेंटर में हो, नाउ योर लुक्स इज परफेक्ट। ओके ठीक है, अभी हमारा ये हो गया, इसके बाद हम राइट वाले की बात करते हैं, राइट वाले में से ये आइकन ऐड करना है, एक तरीका में पूरे को बना सकते हैं बट बेटर है हम आइकन को डंप ही कर लेंगे लाइक वी डन फॉर द राइट हीरो सेक्शन फोटो डिजाइन। ठीक है, सेम हम करेंगे अभी इसका गलत आइकन एक्सपोर्ट हो गया है तो ओके तो ये दोनों ना एक आइकन में है नहीं, इफ यू सी हियर व्हाट वी हैव टू डू सेम हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं देन ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है बट गिव मी वन सेकंड, तो सिंपली वी विल क्रिएट अ फर्स्ट
हम इसको क्या करेंगे, फिक्स अलाइन पेरेंट, ठीक है। अब इसमें अंदर इमेज पुट करेंगे, इमेज को हम अपलोड करेंगे लाइक 100 by pixel, हम इसे इसके सेंटर को, ठीक है। अभी जो बाहर वाला बैकग्राउंड है इसका जो कलर है ना, ये हमारा कलर हमें आया नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक सेम जो हमने उसके साथ किया था, लाइक जो राइट वाला है इसको हम करेंगे पेरेंट्स टू बैकग्राउंड फ्लैट, सॉरी जो कलर का कोड है ये 46 एंड ऑल्सो राउंडनेस दिए मैंने, राउंडनेस टूड भी 100, तो ऑटोमेटिकली सर्कल ही बन, ये हमारा सर्कल बन गया। बट अब एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई, जो अंदर इसका बटन है ना ये मिसिंग है क्योंकि अलग ग्रुप में था। ओ तो फिर हमारा क्या फायदा, ओ दिस इज द राइट ग्रुप जो हमें एक्सपोर्ट करना, गलत ग्रुप एक्सपोर्ट। मैं इमेज सिंपली कर दूं, इमेज शुड बी 100 by 100, ठीक है। मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस बता देता हूँ दोबारा से, आपको लोग पता नहीं अपने आप क्या 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 करता रहता है, बट लेट मी जस्ट रीफ्रेज इट कम्प्लीटली। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक ग्रुप को लिया जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट और राइट, इसको मैं मिनिमम भी हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और नाउ इस यू सी हमने लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया, राइट में ओनली इमेज है, तो राइट ग्रुप में लिया उसको अलाइन पेरेंट सेट किया और उसके अंदर एक इमेज पुट कर दी, दैट्स इट। सेम लेफ्ट में क्या किया हमने, फिट एज ए कॉन्टेंट ऑटोमेटिकली, ठीक है। और दूसरा जो पेरेंट ग्रुप है ना उसको हम स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो डेट वो दोनों राइट और लेफ्ट साइड हो गए, ठीक है। सेम जो ये ग्रुप के अंदर हमने जो भी कंटेंट था उसको ऐड कर दिया और इसको हमने वर्टिकल हाइट पे कर देंगे, तो सो डेट ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे सेट हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। अभी हमारा बचता है ये वाला पार्ट। अभी आइदर ये वाले पार्ट में क्या है इंटरेस्टिंग चीज की, एक लाइन जा रही है ये जो हम ओमिट करेंगे, जो हम नहीं करने वाले, बट इट गिव्स द फ्लेवर, बट आई डोंट थिंक बबल में पॉसिबल भी है। बट यू कैन डू इज लाइक यू कैन जस्ट अपलोड द इमेज ऑल्सो, अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली इमेज सेलेक्ट करो, एक्सपोर्ट करो, डेट्स इट। बट हम वो नहीं करने वाले हैं, वी विल एक्चुअली राइट दिस थिंग, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इट्स सिंपली हमने ना इमेज को ग्रुप को वर्टिकल अलाइनमेंट कर स्ट्रेच कर दिया, तो जब जैसे हमारा पूरा ग्रुप स्ट्रेच होता जाएगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी वेट, ठीक है। अभी हम इसको हम सही लग रहे हैं, अभी हम इसको ये गेट करेंगे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आइटम बनाएंगे फिर इसको हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, एज अ इमेज। तो दी ऑल आर सेम हायरार्की पर है, तो हम सबसे पहले ग्रुप पिक करेंगे जिसमें हम, अब तो आई थिंक यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अगर जहां भी आपको डाउट लगे या फिर ऐसा लगे कि मैंने कोई स्टेप ड्रॉप कर दिया तो जस्ट बेटर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो जब भी देख रहे हो तो लाइक करो वीडियो को, सो दैट दूसरे लोगों को पता लगे कि भाई इफ समवन इज पुटिंग हार्ड वर्क तो फायदा होना चाहिए, सिंपल, इट शुड बी रो, ठीक है। ये हो गया, अभी सबसे पहले ये आइटम ग्रुप बनाना है हमें, एक और ग्रुप हम ऐड करेंगे, हो जाएगा कॉलम लेआउट पे, बाद उसमें हम 100 और ब्लेड टैक्स ऐड करेंगे, दो टैक्स ऐड करेंगे, एक कॉलम पे हमने सेट किया इसको, ठीक है। तो सबसे पहले वो बॉडी कर दो, सबसे पहले 100 टैक्स प्लस। अब इसमें जो फॉन्ट साइज है F8 है, दिस इज गोइंग टू बी 36 एंड 500, तो 500 है हमारे मीडियम सेट, यहाँ पे हम डायरेक्टली पिक कर लेंगे क्योंकि हमने वो फॉन्ट ही चूज किया है 36 टैक्स इज F8, तो इसको जाएंगे और इसको फिट कंटेंट टू विड्थ कर देंगे, बट के बाद यहाँ पे कंटेंट गए, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्सपर्ट फ्रॉम टीम मेंबर, टेक्स्ट चेंज करेंगे, बट ऐसा तो नहीं हो रहा बोरिंग हो रहा हो, ऐसा फील मत करना, फील करो तो कमेंट कर देना कुछ तो इंक्रीज हो से रिटेंशन, वी विल जस्ट यहाँ भी इसका लेआउट हटा देंगे, फिट विड्थ करेंगे, ठीक है। दोनों को अब हम दोनों को आई थिंक ऑलरेडी ग्रुप में है, तो इसका मिनिमम विड्थ हटाएंगे, फिक्स विड्थ करेंगे, साइड मिनिमम हाइट हटा देंगे, ये हो गया। अभी दो इमेजेस ऐड होंगे, ठीक है। अब दो इमेज हम करेंगे, यहाँ पे जो ये ग्रुप है लेफ्ट वाला के अंदर एक और ग्रुप बनाएंगे, हम नाम देंगे इमेजेस, नाम देंगे हम इमेजेस, हमारा हमेशा रूम है, इमेजेस ऐड करेंगे 88 by 8 by फिक्स विड्थ, ऑलवेज जो इतने भी इमेजेस है ना सबको फिक्स विड्थ ही रखा करो, मोस्टली फिक्स विड्थ ही होती है, इजी होता है मैनेज करने में, बहुत इजी होगा, लाइक बहुत सुकून, ठीक है। इसका सेम लेआउट हटाओ, पैडिंग 20 मोस्टली 20 ही रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप इंटरेस्टिंग चीज देखना, अभी फुल विड्थ हो जा रहा है, आइदर हम क्या कर सकते हैं, स्पेस एलिमेंट दे दो, बट हम इसका ना मैक्स विड्थ सेट कर देंगे, मैक्स विड्थ शुड बी 400, इससे बाहर नहीं जाएगा, एंड मैं उसको कैसे सेट कर दूँ, और मिनिमम हाइट हटा के ना, होपफुली हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें पैडिंग देना है कि टॉप पैडिंग कितना है 90 by 90, ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप इनर है ना, तो ये जो ग्रुप हेडर है इसमें आप हमेशा पैडिंग ऐड करो रादर देन एडिंग अ ग्रुप, क्योंकि इससे क्या है जब भी स्क्रीन साइजेस होगा ना तो ऑटोमेटिकली मार्जिन हटता है सबसे पहले, फिर पैडिंग हटता है, तो आपका जो 90 वाला है वो हट जाएगा। मैं अगर ऐसे दूंगा ना टॉप, थोड़ा प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं क्या बनाए क्या बनाने, तो ये बनाए तो ये इमेजेस में उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही। क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक तो स्ट्रेच ज्यादा हो रही है ना, और थोड़ा ये दोनों पास में है। इसको करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, जो ग्रुप है इसका जो कॉलम गैप है इसको इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे कट रहा है, कट ये इमेज इसलिए कट रही है क्योंकि हमने जब
क्रॉप किया था तो हमने गलत क्रॉप कर दिया, तो वो आप अपने आप से फिक्स कर लेना। आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग बिग कोई इशू। बट इंटरेस्टिंगली इमेज हमारी ना थोड़ी, और अभी हम क्या करेंगे, ये इसको कॉपी पेस्ट करो। एक दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इमेजेस जो जितनी भी इमेजेस हैं आप इसको यहाँ पे स्टोर करो। फिर हीरो सेक्शन डिस्प्ले URL, मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे URL किया, ठीक है ठीक है। तो इसमें थोड़ी पैडिंग ऐड कर दूँ, मतलब ऐसा कुछ ऐड नहीं करना है, और थोड़ा राइट और लेफ्ट से पैडिंग ऐड कर देते हैं। 30 bottom थोड़ा बेटर लगनी चाहिए अभी, मच बेटर कंपेयर जो हमारा पहला ड्राफ्ट आया था। तो दिस इज इट, हमारा हीरो सेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली अभी हम इसको ना मोबाइल व्यू में देखेंगे, मोबाइल व्यू में कैसा दिख रहा है वो बहुत जरूरी है। आप देखोगे क्या है यार, ये मेक योर बिल्कुल एकदम अटैच हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं लिटरली। तो सबसे बेस्ट तरीका, अब हम ट्रिम इसको करना स्टार्ट करते हैं। पैडिंग वाला तो पैडिंग है यहाँ पे, वो टॉपर बॉटम देखोगे प्रॉपर है, बट बहुत ज्यादा है राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे कंडीशनल पे, करंट पेज विड्थ लेस देन इक्वल टू, हमने मोबाइल के लिए क्या ले रखा है 480 राइट। टॉप पैडिंग 90 है, इसको आप कर देते हैं 40, बॉटम को भी सेम। एक और चीज इंटरेस्टिंग आप देखोगे कि इसमें जो ना जो हमारा ये लाइट और लेफ्ट वाला है इसमें बिल्कुल भी पैडिंग है ही नहीं। इसको लिए हम क्या करेंगे, वी विल एड अ पैडिंग ऑन द ग्रुप लेफ्ट इन द करंट पेज। इसके लिए हमें सब पूरा करना पड़ेगा क्योंकि 1280 से नीचे है जितने भी, क्योंकि हमने लिया ही नहीं है। और मच बेटर तरीका, जो भी ये हमारा ग्रुप है ना फुल, ये हीरो इनर जब भी हमारा 1280 से नीचे जा रहा है, इसमें हम करंट पेज विड्थ लेस देन इक्वल टू 80, तो हम इसको कंप्लीट मार्जिन दे दो, हेडिंग दे देंगे, हेडिंग लेफ्ट हेडिंग राइट ठीक है। और दूसरा सेक्शन है अब ये इमेजेस, ये जो इमेज है, बेटर तरीका होता है कि इसको हटाई दो जब भी मोबाइल व्यू में हो, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस। और आप अपने यूजर को डायरेक्ट एक्शन पर लेके आना चाहते हो, हम सेम हम यहाँ पे करेंगे, जो हमारा ग्रुप राइट है इट शुड बी करंट पेज लेस देन 480, ये मेरा एलिमेंट इनविजिबल हो जाए ठीक है। अभी मेरी बात करते हैं ये इस सेक्शन की, ये जो हमारा है ये इस किसी काम का नहीं है जो मोबाइल व्यू में है, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस ठीक है। हम इसको रिमूव कर देंगे, करंट पेज विड्थ लेस देन इक्वल टू, नाउ जस्ट रीफ्रेश, होप इट थोड़ा बेटर दिखेगा ठीक है। ये हो गया, अभी हमारा ना एक तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, दूसरा यहाँ पे बहुत स्पेस आ गया, क्यों आ गया है ये फिगर आउट करना। सबसे पहले हम जो ये टेक्स्ट फॉन्ट है चेंज करेंगे, करंट पेज विड्थ लेस देन, इसका जो फॉन्ट है 36 हाफ कर देते हैं, 42 कर देते हैं थोड़ी प्रीडोमिनेंटली, एंड विड्थ यहाँ पे आ रही थी बिकॉज यहाँ पे हट तो गया है बट वो कोलैप्स नहीं हो रही है वो हाइट, तो डेट इज अ प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो जब कोलैप्स होगा तो इसका जो ये मार्जिन है ना हमने आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमें पैडिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड करनी पड़ेगी 20 ठीक है। अभी देखो इट्स मच बेटर ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग चीज है, सेम यहाँ पे देखो कितना स्पेस बन रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है, ये बन रहा है क्योंकि हमने जो राइट वाला एलिमेंट इनविजिबल किया है कोलैप्स। नाउ इफ यू सी इन द मोबाइल तो हम ऐसा दिखेगा, और जब आप टैब पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और कंप्लीट स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन है टैबलेट डेस्कटॉप पर हमें दिख ही रहा है बाय डिफॉल्ट, हमें बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। होप इट मेक सेंस। आपको कुछ भी चेंज करना है पर्टिकुलर मोबाइल व्यू के लिए तो हाइट के बेसिस पे करो rather than इसके basis ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू बिल्ड लाइक अ हीरो सेक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो हमारा होने वाला है ये दिस टेस्टिमोनियल और दिस कैटेगरी सेक्शन ऑफ इट। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट और लेफ्ट पे पॉइंट आउट होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।